जो अपने पति की नहीं हुई वो सचिन की हो जाएगी, जो चार बच्चे होने के बावजूद भी मोहब्बत की भूखी, पता नहीं कौन सी इसकी प्यास है जो बुझने को तैयार नहीं है, फिर भारत आ गई और कह रही है कि मुझे मोहब्बत नहीं मिली, तो वो लगता है सचिन की हो जाएगी। सचिन भी यहाँ पर मेरे ख्याल से हैंडीकैप था, नपुंसक था, उसको यहाँ की कोई लड़की मिल नहीं रही थी। इतने बड़े भक्त तुम तालियां बजा रहे हो, पड़ोसी देश की मिली, अपनी बहू बेटी क्यों नहीं दे दी तुमने सचिन को? उसके लिए भी तुम्हें मुल्लाओं की जरूरत। हस्बैंड है गुलाम बलोच, उसने इसको पैसे भेजे के मकान खरीद ले, उससे उसने मकान खरीदा, जिसको बेच के अभी सचिन नामी आशना के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान भागकर आ गई। तो ताकि तुझे मुल्क से मोहब्बत नहीं, तुझे बच्चों से मोहब्बत नहीं, तुझे पति से मोहब्बत नहीं, तू सचिन से मोहब्बत कर लेगी? जो अपने पति की नहीं हुई, जो अपने मुल्क की नहीं हुई, जो अपनी मोहब्बत की नहीं हुई, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, जो अपने मैके की, अपने ददियाल की, अपने पड़ोस की नहीं हुई, वो भारत में सचिन की हो जाएगी? नहीं, वो तो अपने साथ चार दामाद लेकर आई है। बग जो खुश हो रहे हैं कि हमने घर वापसी कर लिया, अरे बावलो तुमने तो चार दामाद से, अब जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो दामाद भी तो बनेंगे ना तुम्हारे, तुम्हारी बेटियां उसके संग आएगी। जो बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान की बेटी है और भारत की बहू बन गई है और भाग कर आई है भगोड़ी, तो इसमें लोग बड़े खुश हो रहे हैं, मोदी जी का डंका बज रहा है, लोग कह रहे हैं कि देखो हमने घर वापसी करा ली, और देखो हमने जो है मतलब हिंदुस्तान की लड़कियों को तो हम घर वापस लाएंगे लाएंगे, हम पाकिस्तान की लड़कियों को भी वापस लेकर आएंगे। सवाल ये नहीं उठता कि सीमा हैदर भारत आई, सवाल ये भी नहीं उठता कि सीमा हैदर ने सचिन नाम के आदमी से शादी करी, सवाल ये उठता है सीमा हैदर जो खुद को ये कहते हैं कि मैं पांचवी पास हूं, सीमा हैदर जो एक बहुत गरीब परिवार से आती है, सीमा हैदर जो एक गांव की रहने वाली है, वो किस तरह हिंदुस्तान आ जाती है और हिंदुस्तान की तमाम इंटेलिजेंसी सीबीआई और हमारा जो गृह मंत्रालय वो कहां सोया हुआ होता है? मतलब एक गांव की लड़की, अरे मैं तो कहती हूं काबिल आदमी को तो छोड़ो, एक गांव की अनपट निपट गवार पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है और 50 दिन से वो भारत में रह रही होती है, लेकिन हमारे मंत्रालय पे, संत्रालय पे और मोदी जी के डंके पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब एक्सपोज होती है तो यहां पर सवाल तो ये उठना चाहिए था, ये आई कैसी? उसके बाद उल्टा सवाल, उल्टा खुशियां मनाई जा रही हैं कि देखो पाकिस्तान की सीमा हैदर को हमने ना घर वापसी करा दी। तो यहाँ तो मुझे नहीं, अरे आप जय श्री राम, आप नहीं नहीं, वो तो आतंकवादी तो भगवा आतंकवादी तो खुश होंगे। सवाल तो ये भी उठता है कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि सीमा हैदर के पास 3 पासपोर्ट हैं, सीमा हैदर जो नीलबट्टा सन्नाटा है, एजुकेशन उसके कुछ पास नहीं है, वो कैसे पाकिस्तान से अपना मकान बेच के वाया दुबई, वाया इधर नेपाल होती हुई भारत आई? यानी कोई ना कोई तो उसके पीछे था। तो मुझे सीमा हैदर के अंदर जो है वो एक आप ये कहिए कि जासूस नजर आता है, और हिंदुस्तान के जितने भी पाकिस्तान की जासूसी करते पकड़े गए, या तो वो अतुर्वेदी होते हैं, चाहे चतुर्वेदी होते हैं, चाहे शर्मा होते हैं, अभी भी पकड़ा गया, तो ये पाकिस्तान की जासूस है। क्योंकि जितने पत्रकारों ने उससे कहा कि सीमा जी आप कलमा सुनाइए, तो वो कलमा नहीं सुना पाई, उन्होंने कहा सीमा जी को सूरत सुनाइए, वो सूरत नहीं सुना पाई। एक गांव की बाई बर्थ मुसलमान लड़की जो अब हिंदू, ये जुम्मा जुम्मा 8 दिन पहले, वो इतनी जल्दी भूल गई कलमा, भूल गई सूरते, भूल गई नमाज, भूल गई रोजा, भूल गई, मैं मान ही नहीं सकती। जो सीमा है वो हिंदू है, पाकिस्तानी हिंदू है? देखिए वो पाकिस्तानी हिंदू है जो हिंदुस्तान लाकर दिखाया गया कि देखो पाकिस्तान में हिंदू लड़कियां तो परेशान नहीं है, पाकिस्तान की मुसलमान बेटियां भी परेशान है, जिनको हिंदुस्तान के सचिन, जो अपना को सचिन तेंदुलकर बन के पारी पे पारी खेल रहे हैं, वो लेकर आए। तो ये सब ड्रामा है, यहाँ पर मुझे ड्रामेबाजी नजर आती है। और जिस तरह लोग डंका डंका करे, डंका बज गया, इसमें मोदी जी ने क्या करा? यहाँ तो मोदी जी की साख खराब हुई, यहाँ तो हमारी पूरी दुनिया में लंका लग गई कि देखो भारत जो ये कहता है हम एक इतने जबरदस्त मुल्क है, हम डिजिटल पे आ रहे हैं, हम विश्व गुरु बने, वहां पर एक गांव के गांव गवट्टी औरत हिंदुस्तान में 50 दिन से रह रही है, लेकिन इनको पता नहीं चलता कि पाकिस्तान की एक औरत सीमा 1001%, अगर आप वहां पर खुदाई करेंगे, जाकर मालूम करेंगे, तो सीमा हैदर आपको जासूस नजर आएगी। और क्योंकि भारत में मुद्दे ही मुद्दे रहते हैं, तो यहां मुद्दे भड़काने के लिए जिस तरह यूसीसी लेकर आ रहे हैं और यूसीसी की आड़ में एचसीसी लेकर आ रहे हैं, मैंने इसका नाम एचसीसी रखा, हिंदू सिविल कोड, तो ये दिखा रहे हैं कि देखो पाकिस्तान में जो लड़कियां हैं वो भी भारत आकर धर्म परिवर्तन कर रही हैं। तो ये मुझे सारी चाल लग रही है, ये कहीं ना कहीं इनका पिट्ठू है। और मुद्दों से भटकाने के लिए तमाम मीडिया जो है वो सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर पे लगा दिया। सवाल ये भी उठता है जाहिद, अगर ये सीमा जो है, ये सीमा शर्मा होती और लड़का हिंदुस्तान का जो है सचिन ना होके कोई मुस्लिम होता, अहमदीन, फखरुद्दीन, मोहम्मद दीन होता, तो क्या हिंदुस्तान की जो सरकार है, हिंदुस्तान के जो भक्त हैं, वो तब भी ऐसे तालियां बजा रहे होते?
नहीं, पूरे खानदान को उठा के इन्होंने जेलों में डाल दिया होता, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी वो अगर मुसलमान अहमदीन मोहम्मदीन फजलुद्दीन नाम का लड़का उस लड़की को पाकिस्तान से लेकर आया होता तो हिंदुस्तान में उस खानदान को पूरा नस्तो नाबूद कर देते, बाबा का बुलडोजर तो मामा का बुलडोजर तो चाचा का बुलडोजर सब उस पर चला दिया गया होता। आपको गर्व नहीं हो रहा है सचिन पे? गर्व नहीं हो रहा है मतलब किस बात पे? नहीं नहीं किस, हाँ तो इन भक्तों की ना मैंने कहा ना गुफाओं की नाजायज औलादे तो गर्व करेंगे। आप एक बात बताइए, सीमा हैदर किसी की पत्नी थी और कह रही मुझे सचिन से मोहब्बत हो गई। कैसी मोहब्बत है तेरी, मौसमों की तरह बदलती रहती है, गर्मी की अलग सर्दी की अलग बरसात की अलग। उससे पहले भी तूने गुलाम हैदर से मोहब्बत करी थी तब भी तू घर से भाग गई थी। ये घर से भाग गई थी, घर से भागने के बाद क्योंकि बलोच है और बलोचों की जो लड़ाई है पाकिस्तानियों से रहती है। सीमा बलोच है, इसको जबरदस्ती हैदर बनाया जा रहा है। जब ये गुलाम बलोच के साथ भाग गई थी तो इस पे कंपनसेशन लगा था, इसको मुआवजा देना पड़ा था और इसका पति इतना कर्जे में आ गया था कि वो दुबई कमाने गया था और उसने इसको मतलब ये स्टोरी वहां पर पूरी निकल कर आ रही है। इसका जो हस्बैंड है गुलाम बलोच, उसने इसको पैसे भेजे के मकान खरीद ले, उससे इसने मकान खरीदा जिसको बेच के अभी सचिन नामी आशना के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान भाग कर आ गई। तो इससे तो गरिमा हमारी खराब हुई। आप एक बात बताइए, तुझे मुल्क से मोहब्बत नहीं, तुझे बच्चों से मोहब्बत नहीं, तुझे पति से मोहब्बत नहीं, तू सचिन से मोहब्बत कर लेगी? जो अपने पति की नहीं हुई, जो अपने मुल्क की नहीं हुई, जो अपनी मोहब्बत की नहीं हुई, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, जो अपने मैके की अपने ददियाल की अपने पड़ोस की नहीं हुई, वो भारत में सचिन की हो जाएगी? नहीं हो सकती, नहीं होगी। नहीं, वो तो अपने साथ चार दामाद लेकर आई है। बग जो खुश हो रहे हैं कि हमने घर वापसी कर लिया, अरे बावलो तुमने तो चार दामाद से, अब जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो दामाद भी तो बनेंगे ना तुम्हारे, तुम्हारी बेटियां उसके संग आएंगी। तो ये जो छोटी छोटी बातों पर ये इशू बनाते हैं, तुम्हें तो ये खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान के चार दामाद तुम्हें फ्री में मिले हैं। एक सीमा के साथ चार दामाद भी तो आए ना जिनमें तुम्हारी बेटियां जाएंगी, तो बच्चे बड़ों की शादियां नहीं करेंगे कि चार दामाद नहीं मिलेंगे भारत को? तो भक्तों को चार दामाद भी मिले हैं। भक्तों को ये भी बताना चाहिए कि सीमा हैदर तेरा शुक्रिया, हमें मुल्लों द्वारा चार दामाद भी दिए हैं पाकिस्तान ने। अरे लेकिन गुलाम हैदर के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि गुलाम हैदर ने इनका ख्याल नहीं रखा, लेकिन गुलाम हैदर जो है बार बार ये कह रहा है कि हम जो है चाहते हैं कि सीमा जो है पाकिस्तान वापस आ जाए और बच्चों के साथ वापस आए। सीमा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए? देखिए इसको तो पाकिस्तान उठाने के उठा के फेंके ना फेंको, पहले इसको तो जेल में डाल के पहले इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पूछना चाहिए कि आखिर ये हॉक है कौन, ये जासूस है, ये गद्दार है, ये कौन है? ये कहती है कि गुलाम बलोच तुझसे मोहब्बत नहीं करता, तुझसे मोहब्बत नहीं करता, 27 साल की उम्र में तूने चार बच्चे पैदा कर दिए जबकि तेरा पति 4 साल से सऊदी अरब में तेरे लिए कमा रहा है, फिर भी तुझे मोहब्बत? मैं तो समझ नहीं पा रही कि जब मोहब्बत नहीं होती तो फिर बच्चे कैसे पैदा हो जाते, जब तुझसे मोहब्बत नहीं थी तूने बच्चे कैसे पैदा कर लिए? अब तू यही खेल यहाँ पे खेल रही है कि सचिन मेरी मोहब्बत था, सचिन मुझसे प्यार करता था, 4-5 बच्चे तूने यहाँ पैदा कर देने हैं, है ना? तो तूने तो पूरी बच्चे बनाने की एटीएम मशीन बन जाना है तूने, फिर यहाँ से किसी और के साथ तूने भाग जाना है कि यहाँ पे भी मुझे मोहब्बत नहीं मिली? तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, हाँ ये जनसंख्या बढ़ा रही, जो मोदी जी कहे ना जनसंख्या कंट्रोल करो, तो कंट्रोल क्या करो मोदी जी? तुम तो बराबर देश से उठा उठा के लेकर आ रहे हो बच्चा पैदा करने की मशीन, 4 बच्चे लेकर आइए, 4-5 यहाँ पैदा करेगी वो, तो 11-12 तो उसके वैसे हो जाने हैं। अच्छा सवाल ये है कि जितने भी लोग हैं वो मतलब जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो सचिन है के जगह कोई साबिर नाम का लड़का होता तो क्या ये लोग इसी तरीके से स्वागत करते हैं? देखिए अव्वल बात तो मुसलमानों में इतने अक्ले शऊर होती है कि तेरी इज्जत मेरी इज्जत को सबकी इज्जत माना जाता है। मुसलमान बहुत कम ही मतलब वो जो इस्लाम पे नहीं होता होगा वही तेरी मेरी बीवी को भगा के लेकर आता होगा। ये जरब भी ये बेशर्मी कहां से लाते हैं इतनी बेशर्मी भक्त, ये बेशर्मी भी इनमें ही हो सकती है। सचिन कितना जलील है कि उसको पता था कि सीमा बलोच एक शोहर रखती है, 4 बच्चे रखती है, दूसरे मुल्क की है, तुझे क्या हिंदुस्तान में कोई नहीं मिल रही थी? यानी इससे पता चलता है कि सचिन कितना हैंडीकैप था, कितना लाचार था, कितना नपुंसक था कि उसको यहाँ पे कोई लड़की नहीं दे रहा था, पड़ोसी देश से औरत भगा के लाया, वो शादीशुदा भगा के लेकर आया। तो मुसलमान तो अव्वल बात होता ही नहीं, अगर होता तो अब तक वो जेल की जीनत बना दिया जाता। अच्छा आप ये बताइए कि मोदी जी को क्या करना चाहिए इन मसलों पर, उन्हें क्या सामने आना चाहिए और जो जांच एजेंसियां हैं उनको गहराई से देखनी चाहिए कि क्या ये सीमा है? देखिए यहाँ पर जांच एजेंसियों को चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, जहाँ मोदी जी आप इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुलबुल जितनी आपके पास ईडी सीडी टीडी पीडी है इन सबको यहाँ लगा के मालूम करिए, आया सीमा बलोच है कौन, या आया मुसलमान भी है या पाकिस्तान की कोई हिंदू लड़की है, ये पाकिस्तान की है भी या पाकिस्तान में भी आपने मुखबिरी करने भेजा था और वहां से आनंद फानंद लाके आपने एक तीर से बहुत सारे शिकार कर दिए, क्या पता पाकिस्तान में इनकी एजेंट हो ये और वहां से वापस लेकर आए उसको मुसलमान बना के लिए आए। और दूसरी बात, ये जो आप
आप ये कह रहे हैं कि सचिन के साथ भागी और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, तो आप धर्म को इस तरह बदनाम नहीं कर सकते, आप धर्म को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते कि मर्जी से हमने हिंदू धर्म को कबूला है, वो जो है अभी गंगा स्नान करके भी आई है, शुद्ध होकर के आई है, उसके बाद जो तुलसी है उसके घर में उसका पूजा भी कर रही है जो